नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बाय, जिसमें हम लाते हैं देश और दुनिया की डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना की लाइफलाइन माने जाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने ऐलान किया है कि अगर भारतीय वायुसेना उनसे F-21 लड़ाकू विमान खरीद लेती है तो किसी और देश को F-21 लड़ाकू विमान नहीं बेचेगी। साथ ही कंपनी का मानना है कि भारत को मिलने वाले डेजर्ट राफेल व हॉल तेजस के साथ F-21 भारतीय वायुसेना की शक्ति में न केवल इजाफा करेगा बल्कि उसकी मारक क्षमता में भी कई गुना इजाफा करेगा। भारतीय वायुसेना की 114 नए लड़ाकू विमान की खरीद की दौड़ में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिक कंपनी लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट एरोनॉटिक्स स्ट्रेटेजी डॉक्टर विवेक लाल ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत के दौरान ये बात कही। भारतीय वायुसेना की ओर से विमानों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी की गई RFI में F-21 ने भी अपना प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस क्रम में वायुसेना की ओर से कुछ सवाल और स्पष्टीकरण पूछे गए जिनका हमने जवाब दे दिया, अब अगले दौर की प्रक्रिया होगी। लाल ने कहा है कि जहां तक F-21 की भारत को आपूर्ति का सवाल है तो भारतीय वायुसेना की शर्तों के अनुरूप 18 विमान पूरी तरह से तैयार आएंगे, बाकी विमान हम भारत में टाटा समूह के साथ मिलकर बनाएंगे। F-21 लड़ाकू विमान की खासियत की चर्चा करते हुए लाल ने कहा कि सिंगल इंजन विमान की अपनी श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से लैस विमान है। सिंगल इंजन की वजह से यह हल्का है और इसलिए 40% अधिक हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। F-21 आधुनिकतम ऐसा रडार के साथ भारत की सुरक्षा जरूरतों के अनुकूल विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस है। इसका दोहरा फ्यूलिंग मैकेनिज्म और नए तरीके का कॉकपिट इससे वायुसेना के लिए खास बनाता है। सिंगल इंजन लड़ाकू विमान होने के कारण यह डबल इंजन जेट की तुलना में 30-40% सस्ता भी होगा। ऐसे में जब 114 नए विमान खरीदने जाने हैं तो इस लिहाज से ये बचत भी बड़ी होगी। पाकिस्तान को पूर्व में F-16 विमान देने के कंपनी के पूर्व के डील को देखते हुए भारत को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि विरोधी को F-21 तकनीक न मिले, इसके जवाब में विवेक ने कहा कि F-16 दुनिया के 28 अग्रिम देशों की वायुसेना इस्तेमाल करती है और करीब 3000 ऐसे विमान अभी उड़ान भर रहे हैं, मगर जब भारत को F-21 का हमारा सबसे सुपीरियर वर्जन देंगे तो हम वादा करेंगे कि ये विमान दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। लाल के मुताबिक F-21 की भारत के लिए विशिष्टता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि F-16 फैमिली अमेरिकन वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में चौथे जनरेशन के F-21 की आपूर्ति केवल भारत को होगी तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच जबरदस्त समानता देखने को मिलेगी।